शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, आप कल बैंक आ जाइए। जी ओके। कीर्ति बेटा, क्या हुआ बेटा? अरे हुआ क्या? अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा बैठो, बैठ के बताओ क्या हुआ। क्या हुआ? पापा, हम वरुण जी के साथ नहीं रहना चाहते, हमें घर वापस आना है। क्या? अब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं बचा तो एक छत के नीचे रहने का क्या फायदा? होश में तो हो कीर्ति, तुम कह क्या रही हो? वरुण जी ने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, और तुम हमारे सामने आके ये रोना रो रही हो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करते। हमें भी छोड़ के जा रहे हैं वो पापा दिल्ली अपने काम से। अरे काम के लिए तो जा रहे हैं कीर्ति। उन्होंने हमें पैसे भी नहीं दिए घर चलाने के लिए, और कहते दीदू से सीखो, घर का ऑफिस का सारा काम कर लेती है वो। वाह कीर्ति, दीदू की दो तारीफें क्या कर दी, तुम्हें बुरा लग गया। बस ये नहीं कहा पापा, ये भी कहा क्यों अफसोस करते हैं कि उनकी शादी हमसे क्यों हुई, दीदू से क्यों नहीं, कैसे रहे ऐसे रिश्ते में हम? बेटा वरुण जी तुमसे प्यार करते हैं। अरे हो गई होगी कोई गलत फहमी, इंसान कभी कभी गुस्से में कुछ भी बोल देता है। हम सच कह रहे हैं पापा, उन्हें सिर्फ यही पड़ी होती कि हम दीदू की तरह जिम्मेदार क्यों नहीं है, हम दीदू की तरह सारा काम क्यों नहीं कर लेते। बस सच तो कह रहे हैं वो, हमें पता है कि वो गलत नहीं है, लेकिन हम दीदू नहीं है। और तुम कभी बन भी नहीं सकती कीर्ति, सबकी गलतियां गिनवा रही हो हमें, पर अपने पापा को ये क्यों नहीं बता रही कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वरुण जी को ऐसा बोलना पड़ा? बताओगे नहीं तुम? चलिए, मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम आप मुझसे बात तो कर रहे हैं। अरे या तुम अपनी ये नौटंकी बंद करो, और ये बताओ इतने बड़े आदमी से तुम उस कीर्ति के लिए क्यों पंगा ले रही हो? क्योंकि कीर्ति मेरी बहन है अभय। वो बहन जो तुम्हें हर जगह बेइज्जत करती है, उसके लिए तुमने अपनी नौकरी दांव पे लगा दी है। मैं खुश हूँ अभय, कम से कम आपको मेरी चिंता तो है। अभय, मुझे इस वक्त अपनी नौकरी से ज्यादा इस परिवार की चिंता है, और ये हार वापस पाकर अगर हमारे परिवार के लोग फिर से एक हो जाते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और ऐसे में एक नौकरी क्या, मैं हजार नौकरी को भी दांव पर लगा सकती हूँ। बस किसी तरह से मुझे कल सुबह तक किसी भी हालत में उस आदमी से वो हार निकलवा के रहना है। ये लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया। हाँ दीदू, ये हार ना हमारे लिए ही बना था, हम पे ही सुंदर लग रहा है। मैं तुझसे कह रही हूँ ना, अभी घर जा। पक्का? पापा हार ढूंढ लेंगे ना। आपके लिए सिर्फ एक जेवर होगा, पर ये खानदानी हार
एक परिवार के लिए उनका मान उनका सम्मान होते हैं। अगली बार आपने किसी के घर के मान सम्मान को ऐसे छीनने की कोशिश की ना, तो मैं पुलिस बुलाने से पहले दो बार नहीं सोचूंगी। ठीक है ठीक है, मुझे मेरा जेवर वापस कीजिए। अभी एक मिनट, मैंने कहा था ना तुमसे, शेर कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा खाता है। मुझे मेरा जेवर वापस कीजिए अभी। और रतन लाल को जो जेवर पसंद आ जाते हैं ना, उसका हो जाता है। छोड़ो, हट। रतन लाल से पंगा, ये देख मैं अपने सारे जेवर और ये तेरा खानदानी हार लेके जा रहा हूं। चल, 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 छोड़ो, छोड़ो, हार वापस करो। मैंने बोला छोड़, छोड़ मेरे पेड़। मैंने बोला छोड़, छोड़ मेरे पेड़। हार वापस करो। मैंने बोला छोड़। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा कॉलर, वरना। तेरे वरना की ऐसी की तैसी। तुमको जो चाहिए ले लो, मुझे जाने दो, ये दो, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हैं आप? अबे छोड़िए, छोड़िए अबे, अबे आप बेकार में फंस जाएंगे। प्लीज छोड़िए अबे, क्या कर रहे हैं आप? अबे प्लीज छोड़िए। अच्छा वो इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, मैं बेगुनाह हूँ, चोर तो ये लोग हैं। चुप, सारी कहानी थाने चल के सुनाना। अच्छा हुआ मैं आप वक्त पर आ गए, वरना वरना तो पूरे डायलॉग नहीं सुना तुमने, वरना ऐसे की, वरना ऐसे की तैसी। चलो अब रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम, मैं हूँ ना, देख लूंगा मैं तेरे लोगों। तुझे मैं दिखाता हूँ। अबे जा रे, जो देखने दिखाना ना थाने जाके करना। चल थाने चल, पहले अपने साथियों का नाम बता। चल कीर्ति तो आ गई, ये ले अब ये हार अपने हाथों से ही ताई जी को दे।
श्रद्धा बेटा, आज आपने हमारे लिए सिर्फ अपनी नौकरी ही नहीं, अपनी जान की भी बाजी लगा दी। तो समझ में नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। ताई जी, आप खुश हैं, उसी में हम सबकी खुशी है। फिर शुरू हो गया इनका तीदू पुराण। आखिर एक ही परिवार तो है। श्रद्धा, तुमने हमारी माँ की आखिरी निशानी वापस लाकर तुमने हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया। श्रद्धा बेटा, आपको बहू के रूप में पाना हमारे परिवार के लिए वाकई बहुत गर्व की बात है। तनुजा और अनुज वाकई बहुत भाग्यशाली है। केवल भाभी को देख जेलसी में कैसे गुब्बारे की तरफ हो गए। तो चुप कर और ये देख कि कैसे तेरी वाह रहेगी क्योंकि श्रद्धा भाभी उसके चीजें खा रही है। हम अभी वरुण को फोन करके बताते, वो भी बहुत परेशान होंगे। माफ करेगा मम्मी, पर अभी तक वो बेटा अब हार मिल गया है। क्या सच मम्मी? श्रद्धा ने आखिर कर ही दिखाया ना। हाँ बेटा, लेकिन आपको कैसे पता कि श्रद्धा ने? हमारे परिवार के लिए इतना और कौन करता है मम्मी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम कल ही सबसे पहले माता रानी के मंदिर जाएंगे और उनके चरणों में ये हार चढ़ाएंगे ताकि सारी बुरी नजर उतर जाए। और अब आप भी बस जल्दी आ जाइए। जी मम्मी, ख्याल रखिएगा। श्रद्धा बेटा, आज आपकी वजह से हम नैना जी के चेहरे पर फिर से मुस्कान देख पा रहे हैं। ताऊ जी, ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें अभय ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। अगर वो नहीं होते ना तो समझिए ये हार हमें मिल ही नहीं पाता। अरे सारी बड़ाइयां लूटने के बाद कह रही कि अभय साथ था। अरे हमारा बेटा साथ नहीं होता ना तो कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, एक छोटी सी चीज के लिए इतना क्या तारीफ किए जा रहे हैं सब? हमारी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा है। अरे अरे, ये क्या बात हुई? हाँ जरा हम पर भी गौर फरमाइए। हाँ, हम सिर्फ सुंदर ही नहीं पर बहुत ही बलशाली भी। आप लोगों को पता है क्या हुआ था ना? हमने ज्योति के ना ऐसे ऐसे छक्के चुड़ा दिए थे, वरना आज ना फिर से कोई नया बकरा या बकरी फंसा के फिर रही होती। अरे बिल्कुल बुआ जी, आपने तो आज साबित कर दिया कि आप हमारी बुआ हैं। रितु बुआ से प्यारा कोई नहीं है। शाबाशी दो आप। जी लो। ये कीर्ति अचानक कहाँ चली गई? ये कीर्ति भी ना पता नहीं कहाँ रह गई है। परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं, ऐसे मौके पर उसे सबके साथ होना चाहिए, पर पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं कुणाल, अभी तक भाभी ने हमारे बारे में घर पे किसी को कुछ भी नहीं बताया है। अब उन्हें ऐसे लगता है कि हमारा रिश्ता टूट गया तो उन्हें ऐसे ही लग्न में तो। ठीक है, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ कॉलेज में। ओके बाय। भाभी मेरी फ्रेंड है ना सारिका, उसी का फोन था, उसे मुझसे नोट्स चाहिए थे तो बस इसीलिए। अब आरती, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम किससे फोन पे बात कर रही हो। हाँ पूछा तो नहीं,
पर आंखों में तो आपके वही सवाल दिख रहा है ना कि मैं किससे बात कर रही हूँ। और वैसे भी नजर तो रख ही रहे हो आप मुझ पे। वो तो मैं कीर्ति को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल ही नहीं रही है। हाँ तो मैंने पूछा आपसे कि आप यहाँ क्या कर रही हो, किसे ढूंढ रही हो। और वैसे भी मेरे फोन में आपको कीर्ति नहीं मिलने वाली। मैं अभी आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई कीर्ति। थैंक गॉड आज बाल बाल बच गई। क्या हमने हार लाने की कोशिश नहीं की हा? पर हम तो किसी को नजर ही नहीं आते। और ये तो इत्तेफाक से रतन भाई दीदू के ऑफिस से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको हार वापस मिल गया। और हमने हमने जो ज्योति को पकड़ा उसका क्या, वो भी वाह भाई बुआ जी बटोर गई। और वरुण जी तो हमें फोन ही नहीं कर रहे, ना ही पैसे देके गए। मन बहलाने के लिए कम से कम एक मूवी तो देखाते। अब ये रूखा सूखा खाना पड़ रहा है हमें। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है। बेशरम आदमी हो, कौन है तुम और बिना उनसे पूछे हमारी तस्वीर क्यों ले रहे हो? अरे अरे बस बस मैडम, आप ऐसे ही खड़े रहिएगा, हिलेगा नहीं। बेशरम आदमी, अब ये तस्वीर ना तुम थाने में दिखाना। चलो चलो। अरे मैडम रुकी रुकिए मैडम, आप गलत समझ रही हैं। एक सेकेंड, ये देखिए कुणाल श्रीवास्तव फोटोग्राफर। हम तो आपके टॉक टॉक वीडियोस के फैन हैं, आप जैसे ही लोगों को खोज रहे हैं। अपने फ्रेंड के साथ मिलके हमने एक मॉडलिंग एजेंसी खोली है, इसमें आप जैसे ही मशहूर और होनहार मॉडल चाहिए हमें अपने एड्स के लिए। हम मॉडल? हाँ मैडम, हमने एक नया काम उठाया एक ब्यूटी ब्रांड के साथ। ब्यूटी यानी सुंदरता, और आपका सुंदर चेहरा उसके लिए ही बना है। हम ब्यूटी ब्रांड के साथ जुड़ेंगे? अब वैसे उसमें क्या क्या होता है? उसमें सब कुछ है। कैमरे में जब हमने आपको देखा तो आपकी फोटो सीधा हमारे मन से होते हुए घंटाघर चौराहे के बड़े से बैनर पर जाकर के चिपक गई, जिसमें ब्यूटी क्रीम का एड है और आपका चेहरा। पूरा कानपुर आते जाते आपकी सुंदरता को देख रहा है। वैसे सुंदर तो हम बहुत है। लड़कियां आपके नाम से क्रीम खरीदेंगी, सोचिए। और बस मुझ पे एक बार भरोसा करके देखिए, ये मेरा कार्ड है और इसके पीछे दफ्तर का एड्रेस। पर वो हम कैसे? पहले हम आपके साथ एक फोटो शूट करते हैं, उसके बाद आपको हमारी काबिलियत पे खुद भरोसा हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ लंबा काम कर सकते हैं, पैसा और नाम दोनों मिलेगा। हाँ वैसे पैसे कितने मिलेंगे? ये तकरीबन 1 लाख। 1 लाख रुपए एक विज्ञापन के? 1 लाख एक दिन का मैडम। देखिए ईमानदार आदमी हूँ, और अगर आपको मुझ पे 2 करोड़ का भी भरोसा नहीं है तो मैं ये सारी फोटोज डिलीट कर देता हूँ। अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अभी हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके ओके। 1 लाख रुपए एक दिन का? अरे सब ना दीदू को कहते हैं कि वो काम घर सब संभाल लेती हैं। जब हम इतने फेमस हो जाएंगे ना और 1 लाख रुपए एक दिन का कमाएंगे ना, सब हमारे पीछे पीछे ही भागेंगे। हाँ हम मॉडल अब अपने हर सपने को पूरा करके रहूंगी, देखते हैं कौन रोकता है। कल श्रद्धा से साफ साफ सारी बातें कर लूंगा, हमारे बीच कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो, एक बार मुझसे बात करो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा।